हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जाना था कि एपोप्लास्टिक लोडिंग और सिम्प्लास्टिक लोडिंग क्या होती है। अब हम बात करेंगे एपोप्लास्टिक लोडिंग, जो कि सेल वॉल के थ्रू होती है। तो आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि ये तो हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है साइटोसोल, और यहाँ पर शुक्रोज, ये है शुक्रोज, यहाँ पर शुक्रोज मौजूद है जिसको आना है साइटोसोल में। कोई भी गेट नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो प्लाज्मो डेस्मेटा इस कंडीशन में। अब आप देखिए, शुक्रोज को हमें साइटोसोल के अंदर लाना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको देखनी है। पहला देखिए कि ये जो है एटीपी कंज्यूम करता है जब भी हम एपोप्लास्टिक की बात करेंगे। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना करिएगा कि सेल वॉल के थ्रू आ रहा है तो यहाँ एटीपी कंज्यूम नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब भी हम एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग की बात करेंगे तो यहाँ एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमको एचायन जो है वो साइटोसोल से वो हमको लेके आने होते हैं आउटसाइड। आउटसाइड बात कर रहे हैं हम सेल वॉल की तरफ, ठीक है? ये हमें यहां पर लाने होते हैं, तो उसके लिए हमको एटीपी चाहिए होता है। तो ये हो गया आपका एटीपी एज, तो दैट कंज्यूम्स एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड बाय विच एचायन कम्स टू दी सेल वॉल। अब टू कंपेंसेट दीज पॉजिटिव आयन, तो पोटेशियम आयन जो है वो आ जाते हैं वापस साइटोसोल में। अब आप देखिए कि ये जो है दिस इज दी शुक्रोज प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर, या इसको आपको नाम मिलेगा किसी बुक में सिंपोर्टर, ठीक है? सो आप देखिए, जब जब एचायन दूसरी तरफ चले गए आफ्टर कंज्यूमिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इन सच कंडीशन, यहाँ एचायन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है? यहाँ एचायन कंसेंट्रेशन कम हो गया। अब इस कंडीशन में वी कैन से देयर इज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप देखिए, ये जो आपका शुक्रोज एचायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये क्या करेगा? ये शुक्रोज और प्रोटॉन दोनों को साइमल्टेनियसली, ये आपको ध्यान रखना है, साइमल्टेनियसली दैट मींस को ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए यहां वर्ड आ रहा है को ट्रांसपोर्ट। सो एचायन अलोंग विथ शुक्रोज दैट कम्स टू दी साइटोसोल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग दैट रिक्वायर्स एटीपी मॉलिक्यूल एंड दैट रिक्वायर्स शुक्रोज प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ये देखा कि किस तरीके से फ्लोएम की मदद से फोटोसिंथेट्स जो हैं, जो कि प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो कैसे लोड किया जाता है। और हमने एपोप्लास्टिक लोडिंग देखा, सिम्प्लास्टिक लोडिंग देखा, एपोप्लास्टिक लोडिंग में कैसे एटीपी के कंजम्पशन से किस तरीके से शुक्रोज साइटोसोल के अंदर आता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप ये वीडियो देख लें, तब हम ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं कि अब तक जो हमने सीखा उस पर जो जो कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, जो सीव एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सीड प्लांट। जब सीड प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ हम दोनों प्लांट्स की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। फाइन, तो अब आप देखिए, तो पहला ऑप्शन है कि वो कौन कौन से होंगे, फ्लोएम होगा या उसमें सीव सेल्स हो फ्लोएम के साथ, या सॉरी, यहाँ ये गलत हो गया है, दैट इज सीव ट्यूब्स। तो दूसरा हो गया है आपका या ए और बी,
और या ट्रांसफर सेल्स। आप देखिए जो जिम्नोस्पर्म, क्योंकि सीड प्लांट्स जो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों होते हैं, तो इसलिए आप जो है हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स होती हैं और एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि इमेच्योर लीव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सोर्स या सिंक। तो जाहिर बात है कि यदि आपने वो पहला वीडियो देखा होगा उसमें बोला गया है कि इमेच्योर लीव इज नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर द फोटोसिंथेट्स इन एन ऑफ रिक्वायरमेंट। सो इन दैट कंडीशन दैट इज दिस इमेच्योर लीव इज डिपेंडेंट ऑन मैच्योर लीव। सो इमेच्योर लीव विल एक्ट एज सिंक, नॉट एक्ट एज लीव्स। तो ये आप गलती ना करना कि जहां लीव्स आ गया वहां आप उसको सोर्स मान लें, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस तो होती है, बट जो है इतने उसमें नहीं होती है कि वो जो है एक ये कहा जाए कि वो सेल इंडिपेंडेंट हो गई है। नेक्स्ट आइए आपके दूसरा, वो ये बोलते हैं कि फ्लोएम लोडिंग अकर्स वाया एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और बोथ ए एंड बी। तो फ्लोएम लोडिंग जाहिर बात है एक एपोप्लास्टिक तरीके से हो सकती है, दैट मीन्स विदाउट प्लाज्मो डेस्मेटा एंड दिस इज विद प्लाज्मो डेस्मेटा। सो ये हो गया आंसर बोथ ए एंड बी। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछता है हमसे कि कंपाउंड्स नॉट जनरली ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम। तो ये हमने पढ़ा है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से जो बनती है वो होती है सुक्रोज, है ना। रिड्यूसिंग शुगर्स के पास कीटोन ग्रुप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्योंकि दे रिएक्टिव होती हैं इसलिए जनरली दे आर नॉट ट्रांसलोकेटेड इन दी थैलेकॉइड दैट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जनरली ट्रांसलोकेट नहीं होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड मैनिटॉल। सो ये रिड्यूसिंग शुगर जो है वो नहीं होते हैं तो ये हो नहीं सकता, है ना, नॉट जनरली ट्रांसलोकेटेड। तो ये हो गया आपका मैनिटॉल और शुगर एल्कोहल। तो ये ऑप्शन भी इसका गलत हो गया, क्योंकि इसमें मैनिटॉल तो होता है बट रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। तो ये पार्शली ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। देन रेफिनोज एंड स्टैचियोज जो हैं दीज आर आल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसलिए इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा रिड्यूसिंग शुगर, ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन 5, एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग डज नॉट इन्वॉल्व एटीपीएज, ये हम पढ़ चुके हैं, सुक्रोज भी उसको जरूरत होती है और हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट भी होता है। तो क्या नहीं होता, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। सो एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग के लिए हमको एटीपीएस चाहिए जो कि एटीपी कंज्यूम करके प्रोटॉन को साइटोसोल से सेल वॉल की तरफ भेजेगा, और जब वहां प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाएगा तो को ट्रांसपोर्टर या सिंपोर्टर की मदद से सुक्रोज और एचआईएन दोनों साइटोसोल में आ जाएंगे। तो ये आपको जो एमसीक्यूज हैं ये थोड़ा सा एक आइडिया दे देंगे कि हमने जो भी थ्योरी में जो पिछले वीडियोस में बनाया उसके जो है उसके मुतालिक आपका क्या जो है अंडरस्टैंडिंग अब तक रही।